सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे फॉर 11 टू 12 ईयर बेबी के लिए। गाउन के लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 2.5 मीटर, और प्रिंटेड फैब्रिक हमने जैकेट के लिए लिया है, वो है 2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 12 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंचेस, और यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे 6 इंचेस। मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस, और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस, और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचेस। मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंचेस लेना है, और नेक की लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है। इस तरफ आउटसाइड से हमें फैब्रिक को फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करना है और ट्रायंगल से बनाना है। तो इस तरह हमने फैब्रिक को टर्न करते हुए ट्रायंगल से बना लिया है। अब ऊपर की कॉर्नर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे टॉप पार्ट लेंगे, इसे 2 फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर पे दोनों तरफ की बॉर्डर पे मिलाते हुए रखेंगे और मार्क कर लेंगे। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से बॉटम पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 34 इंचेस। इस तरह हमें राउंड में 34 इंचेस मार्क कर लेना है। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को कट करेंगे। अब इसे ओपन कर लेंगे। अब वन साइड फोल्डिंग है, इसे हमें कट करना है। तो इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए बॉटम पार्ट कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है, इसे राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हमें नेक स्ट्रिप अटैच करनी है। आर्म होल और नेक पे इसे रखेंगे, और दोनों तरफ के आर्म होल पे और नेक पे हमें सिलाई लगानी है, और स्ट्रिप के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट के ऊपर भी हमें यह पीस को रखना है, और दोनों तरफ के आर्म होल पे और नेक पे सिलाई लगानी है, और इसके नीचे की बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब
नेक पे और आर्म होल पे हल्का हल्का नोचिस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखना है और शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला दिया है। अब दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और इसकी बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो इस गाउन को हमने फिटिंग कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचिस। इसकी लेंथ है इसके फ्लेयर के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से अटैच करना है। इस बॉर्डर पे राइट साइड से अटैच कर लेना है। स्ट्रिप को हमने राउंड में अटैच कर लिया है। अब इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करके इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके ऑल राउंड सिलाई लगाएंगे। तो गाउन के नीचे के बॉर्डर को हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह हमने यह गाउन रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर का जैकेट को हमें रेडी करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 15 इंचिस और लंबाई हमने ली है 38 इंचिस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचिस और यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ हमें लेनी है 6 इंचिस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचिस। और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 8 इंचिस। अब यहाँ से लेके नीचे तक हमें इस तरह का शेप देते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने
दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंचेस। राउंड से देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट में हमें हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरह। अब इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब फ्रंट पार्ट के नेक से हमें 1 इंचेस आउटसाइड हमें मार्क करना है फोल्डिंग से। नीचे तक हमें इसे 1 इंच का मार्जिन रख के कट कर लेना है। इस तरह फ्रंट के दो पार्ट हमने बना लिए हैं। दोनों पार्ट की इस बॉर्डर पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह के दो स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1.1 इंचेस। इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से इस बॉर्डर पे रख के अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ की बॉर्डर पे हमने सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब नेक पे हमें कॉलर बनाना है। कॉलर के लिए हमें नेक की पूरी लेंथ लेनी होगी। नेक की लेंथ है 11 इंचेस। यहाँ पे मैंने कॉलर के लिए स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 12 इंचेस। कॉलर की लंबाई है 11 इंचेस। 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें कुर्ती के साथ अटैच करना है। राइट साइड से इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे हल्का सा सिलाई को ओपन कर लेंगे और एक लेयर को हमें नेक पे अटैच करना है। इस स्ट्रिप के एक लेयर को हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरा लेयर है इसे रॉन्ग साइड इस तरह टर्न करना है और इस बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। तो इस तरह हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंचेस। इस दोनों स्ट्रिप को हमें आर्म होल में इस तरह राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। आर्म होल को हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग कर लेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। इसके बाद नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने यह फाइनली इस गाउन को रेडी कर लिया है 11 to 12 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।